सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं देवोदरन कुमार एशिया टेलीकॉम से। मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि मैंने भी सोचा चलो थोड़ा बहुत आपको डीओसो का नॉलेज दूँ। ये डीओसो के छोटे छोटे वीडियो हैं, आपकी हेल्प करेंगे और स्टार्टिंग पीरियड में आपको समझ में आएगा कि मुझे डीओसो परचेस करना है कि नहीं करना है। फिलहाल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस डीओसो पे वीडियो देखना है। मेरे पास ये और ये दोनों डीएसओ हैं, आपको मैं ये वाले डीएसओ पे भी वीडियो दे सकता हूँ। अच्छा, इसके प्रॉपर और पूरे वीडियो देखना है तो नीचे मैंने लिंक दी है। डीएसओ का एक छोटा सा ट्रेनिंग कोर्स है जो कि बहुत ही कम दाम पे है, जिसमें आप पूरी डिटेलिंग, एक एक चैनल कैसे यूज़ करना है, एक एक ऑप्शन कैसे यूज़ करना है, हर चीज़ और प्रैक्टिकली वहाँ पर यूज़ करके बताई है। और हर एक चीज़ का वहाँ पर आपको मैंने सोल्यूशन भी दिया है डीएसओ का, प्लस यहाँ पर यूटीडी भी कैसे यूज़ करना है, तो दोनों ही आपके डीएसओ उसमें कवर हो जाएंगे, तो वो आप उसके लिए जा सकते हैं। खैर, तो फिलहाल हम डीएसओ की बात करते हैं। अभी मेरे पास है रीगल का DS1104, और इस डीएसओ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है Z+, तो ऑस्किलोस्कोप है। और ये डिजिटल डीएसओ को बेसिकली बोलते हैं डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप। स्टोरेज क्यों? क्योंकि ये डिजिटल जो डिजिटल वेव्स होती है उनको स्टोर कर सकता है, इसलिए इसको स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप कहते हैं। ऑस्किलोस्कोप मतलब फ्रिक्वेंसी। अल्ट्राविजन यहाँ पे मॉडल है करके है। फोर चैनल यहाँ पे आप देखो दिखाई दे रहे होंगे, 1, 2, 3, 4। जनरली डीएसओ आपने दो चैनल के देखे होंगे, ये फोर चैनल है और हर चैनल पर आप एक अलग फ्रिक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। तो ये एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली आप एक साथ चारों फ्रिक्वेंसी का यूज, चारों चैनल का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाऊं तो नोटिस करो, यहाँ पर लिखा हुआ है 100 मेगाहर्ट्ज़। तो ये 100 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी को कैच कर सकता है, और जो सैंपल है वो 1 गीगा सैंपल पर सेकंड के तक, मतलब जो, क्योंकि फ्रिक्वेंसी में पूरा मैटर सैंपल का, सैम्पलिंग का होता है, तो इसमें कैसा है ना, सेकंड वाइज जो सैंपलिंग होती है वो 1 गीगा तक ये आपको दिखाएगा। तो ये जो गीगा के ऊपर होते हैं ना, जैसे 10 गीगा, 5 गीगा, ये डीएसओ और महंगे होते जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली और कम भी हो सकता है, 500 मेगा भी हो सकता है, और ये 1 गीगा है, 500 मेगा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब गीगा में कैसा होगा ना, ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो डीएसओ की रेंज भी बढ़ती जाएगी और डीएसओ इसमें महंगा होते जाएंगे, ठीक है। तो ये समझो ना, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियस है कि ये महंगा होता जाएगा। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा अगर नॉइस है, तो आज रामलीला का दिन है, आज अयोध्या का सबसे बड़ा दिन है, और आज ये वीडियो बनाने का भी मौका मिला मुझे आप लोगों के लिए। छोटा सा ही वीडियो है। अभी के टॉपिक में हम से बात करेंगे कि अगर फर्स्ट टाइम आपके डीएसओ आए तो आपको क्या करना है, और छोटे मोटे फंक्शन की हम यहाँ पे बात करते हैं। मैं धीरे धीरे इसके वीडियो अपने रिव्यू और कमेंट के हिसाब से डालता रहूंगा, क्योंकि एक वीडियो भी पूरा डाल दो तो कोई देखता नहीं है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो से मुझे समझ में आएगा कि मुझे उसको डालना है कि नहीं डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो नॉर्मली डीएसओ में क्या होता था, अभी के में आपको यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं मिलता था, पर अभी के डीएसओ में आपको यहाँ पर देखो कुछ फंक्शन मिल रहे हैं ना। तो ये जो फंक्शन होते थे ना, ये आपके सारे यहाँ पर पैरामीटर्स होते थे, इनको उन्होंने ना बकायदा हर एक का एक पैरामीटर के ऑप्शन दे दिए। यहाँ से मेन्यू खुल जाता है, यहाँ से टॉप एंड आप उसमें जा सकते हैं, जैसे ये वर्टिकल में दिखते हैं आपको सारे पैरामीटर, तो इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको, और ये मेन्यू यहाँ पर खुल जाता है, तो ये मेन्यू से हॉरिजेंटल यहाँ पर आपको दिख जाता है। तो मतलब वर्टिकल के अलग है और हॉरिजेंटल के अलग है, तो कहने का मतलब है जो आपके हॉरिजेंटल में चलते हैं वो फ्रिक्वेंसी चलती है, और जो वर्टिकल में चलती है वो आपका वोल्टेज चलता है। तो ये भी आपको सारी चीजें मैं अब बताऊंगा, पर शुरुआती दौर पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब आपके पास में मशीन आएगी तो आपको क्या करना है कि आपको इसको कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट करना जरूरी होता है, क्योंकि इससे जो हमारे मशीन का सारी जो फ्रिक्वेंसी है वो एक सही लेवल पे आए। अब कैलिब्रेशन करने के लिए सबसे पहले है ना, आपको किसी भी प्रकार का प्रोब नहीं लगाना है। तो जो प्रोब लगाना है, प्रोब है, आपको उसको निकाल देना है। अब मशीन भी आपको बोलेगी कि भाई ऑल द प्रोब विल बी डिसकंटिन्यू, मतलब डिसकनेक्टेड, तो सारे प्रोब डिसकनेक्टेड होने चाहिए। अब कैलिब्रेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे मेजर है, कर्सर है, डिस्प्ले है, एक्वायर है, सबका अपना अलग अलग काम है। यहाँ पे हम यूटिलिटी में गए, ठीक है, और आईओ सेटिंग दिखाई दे रहा है कि, और इस तरह से सिस्टम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम इन्फो है, और यहाँ पर आपको वर्टिकल रेफरेंस दिखाई दे रहा है, पावर सेट दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये पावर सेट का क्या रीजन है, तो ये जैसे बताना, छोटे छोटे वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगर मैं आपको यहाँ पर आईओ सेटिंग पे ले जाऊं, तो यहाँ पर देखिए आईओ सेटिंग में लाइन कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि हम इसमें क्या है यूएसबी भी लगा सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ
और प्लस इसके अंदर एक लॉजिक एनालाइजर है जो 16 चैनल को सपोर्ट करता है। लॉजिक एनालाइजर का अलग से यहाँ पे बटन दिया हुआ है जिससे आप इसको दबा के आप इसे 16 चैनल तक आप इस लॉजिक एनालाइजर से आप फ्रिक्वेंसी को कैच कर सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये काफी इनबिल्ट है और बट इसकी जो केबल होती है वो काफी महंगी होती है, वो लगभग 20,000 के ऊपर केबल होती है तो, और 40,000-50,000 का तो यही है, तो इसलिए दोनों ले पाना तो मुश्किल का होता है और इंडिया में मिलती भी नहीं है, तो केबल अमेजोन से भी बुलवाओ तो भी महंगी पड़ती है, नहीं तो बाहर से वो केबल सस्ती होती है। ठीक है, और मेजर में हम देखेंगे तो चैनल और ये सारे, तो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। यहाँ एक्वायर हो गया, ये कर्सर हो गया, ये स्टोरेज हो गई और यहाँ पर हम वापस आ गए हैं और यहाँ पर लैंग्वेज है। देखो सबसे पहले जब आपके पास में अगर ये आए तो आपको हो सकता है मे बी ये चाइनीज लैंग्वेज में हो तो ये समझ में नहीं आए कि आपको करना क्या है। सो बिल्कुल वीडियो को देखो ध्यान से कि आप सिर्फ क्या करना, जैसे मान लीजिए आपके पास आई मशीन, ठीक है, आपने इसको बंद किया और आपने इसको चालू किया फॉर एग्जाम्पल, और अब ये किसी दूसरी लैंग्वेज में है, ऑब्वियस है चाइनीज लैंग्वेज में होगा और किस लैंग्वेज में होगा, ये 25 सेकंड से 30 सेकंड तक बूटिंग लेता है तो इसका जो बूट टाइम है वो 25 से 30 सेकंड है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ मेंशन है इसके मैनुअल में, अगर आप मैनुअल पढ़ोगे ना तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पर। मैं आपको बहुत सारी वेब्स बताऊंगा जो कि छोटे छोटे वीडियो में बताऊंगा, अभी तो फिलहाल ये वीडियो देख लो। अभी देखो वैसी की वैसी आ गया ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। रीजन क्या है, क्योंकि लास्ट सेटिंग के अंदर पहले से सेट था, बाय डिफॉल्ट नहीं था, लास्ट सेटिंग में सेट था, इसलिए देखो यहाँ पर भी दोनों पे आपको येलो दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात है, अगर आपको पता करना है कि भाई मेरा इंग्लिश मुझे करना है तो यूटिलिटी दबाना, ठीक है, और ये पहला दूसरा तीसरा फंक्शन दबाना तो सीधा आपको ये खुल जाएगा, यूटिलिटी और तीसरा, समझना। अगर इनकेस ये चाइनीज में है और आपको समझ में नहीं आया तो सिर्फ यूटिलिटी और इसमें जो ये एरो दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन मेन्यू, ये तीसरा, और यहां से आप इसको चेंज कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहां किस उसमें करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं इसको चेंज कर देता हूं, ये देखिए ये चेंज हो गया, अब ये कोई दूसरी तीसरी लैंग्वेज में खुल गया है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी लैंग्वेज है और मैं इसको चेक भी कर पा रहा हूं तो ये पता नहीं चल पा रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूटिलिटी दबाऊंगा, जैसे कि मैंने बोला मैं यूटिलिटी दबाऊंगा और तीसरा दबाऊंगा तो सीधा मैं यहां पर आ जाऊंगा, ठीक है, और इसको क्लियर कर दूंगा इंग्लिश ये करके। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कैलिब्रेशन की, तो कैलिब्रेशन कैसे करना है। कैलिब्रेशन आपको करने के लिए यूटिलिटी दबाना है, इंग्लिश आप समझ गए, यूटिलिटी दबाना है, और यूटिलिटी दबाने के बाद में आपको ये जो एरो का बटन दिया है, देखिए यहाँ पर ये जो मेन्यू है इसको अप डाउन करने के लिए ये एरो दिए हुए हैं, ये आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं ना, अप एरो डाउन एरो, तो आपको डाउन एरो दबाना है तो आपको देखिए और नीचे मेन्यू आ गए। तो सिर्फ मेन्यू इतने नहीं है, मेन्यू उसके ऊपर भी है और उसके नीचे भी है, सो ऊपर ही ऊपर तो इतने होंगे क्योंकि देखो ऊपर दबाने पर तो कुछ नहीं आ रहा पर नीचे दबाने पर ये आ गया, पर ऊपर दबाने पर वापस वो सेम आपको मेन्यू की लिस्ट मिल गई। तो आपको सिस्टम के बाद जाना है और यहाँ पे लिखा है सेल्फ कैलिब्रेशन, तो बेसिकली सेल्फ CAL मतलब कैलिब्रेशन लिखा है। अब आपको इसके सामने वाली ये जो लाइन है इस लाइन का मेन्यू को प्रेस करना है, ये दबाना होता तो इसका ये तो इस तरह से मेन्यू को प्रेस करना है, तो आपको सेल्फ कैलिब्रेशन को क्लिक करना है और डिसकनेक्टेड एवरीथिंग फ्रॉम ऑल इनपुट, तो ये सारे आपके इनपुट है तो आपको इसको डिसकनेक्ट करना है, मतलब आपको कुछ भी यहाँ देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लॉजिक एनालाइजर, कोई USB नहीं होना, किसी प्रकार का प्रूफ नहीं लगे होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है और कुछ देर के लिए आपको वेट करना है सेल्फ कैलिब्रेशन के लिए, चलिए करते हैं। सो देखिए तो अब ये चालू हो गया है, तो चलिए आपका सेल्फ कैलिब्रेशन हो गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से फंक्शन के बारे में और बात करेंगे और इसके एक और दूसरे चैप्टर में हम इसके वोल्टेज की बात करेंगे, थोड़ी फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे, मैनुअल वर्सेस ऑटो करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, एक प्ले बटन है, एक और प्ले बटन दिला दीजिए, तो अभी मेरा से 5,000 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। DSO एडवांस फुल ट्रेनिंग
अब ऑनलाइन आप सीख सकते हैं, इंस्टीट्यूट के 80K से 1,00,000 बचा सकते हैं। अगर आप तकनीशियन हैं और DSO से काम करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके के लिए वरदान है। इसमें रिगल 4 चैनल और UTDCEX+ की बेसिक से मोबाइल में टेस्टिंग कैसे करना है। अब सिर्फ 4,000 फीस के साथ आप DSO ही नहीं लॉजिक एनालाइजर का काम भी सीख सकते हैं।